नमस्कार मित्रों, आज अपन चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर राउंड डबलिंग वर्क देखने। तो ये अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर का है नई स्टेशन बिल्डिंग, जो अभी ये शेड वगैरह कंप्लीट हो चुका है और लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 जो डल चुकी है। दोस्तों ये केबल लेइंग का काम चल रहा है और साथ ही साथ टाइल्स घिसाई भी हो रही है। दोस्तों ये बीच में आप ये जो देख रहे होंगे ये ड्रेनेज के लिए खोदा गया है, ड्रेनेज लाइन बनेगी यहाँ पर। तो दोस्तों ओएची के पोल भी गड़ चुके हैं अब। दोस्तों देख सकते हैं आप ये यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करने के लिए वॉल बनाई गई है, ये प्लेटफॉर्म एक्सटेंड होगा आगे की ओर और इधर की ओर कुछ भी अभी काम नहीं चल रहे हैं। तो अपन देखते हैं दूसरी ओर जिधर से डबलिंग की लाइन आना है। दोस्तों टावर वेगन शेड बनेगा यहाँ पर और ये SNT की OC बिल्डिंग। वो दोस्तों ये सारण मोहल्ले का अभी जो अतिक्रमण हटा था ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब ये भराई का काम चल रहा है और ये पूरा अतिक्रमण हट चुका है और यहाँ पर ये अर्थवर्क का काम चल रहा है। पुलिया बनाई जा रही है जो सारण मोहल्ले के लिए है। दोस्तों ये पुलिया बनकर रेडी है। यहाँ पर भी ये वॉल बना करके अब फिलिंग का काम चल रहा है। तो इधर काम है, मैं दूसरी ओर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी पुलिया बनाई गई है, उसके बाद में ये गिट्टी वगैरह भी यहाँ पर डाल दी गई है। देख सकते हैं आप OHE के पोल भी गड़ चुके हैं। तो दोस्तों पहले ये यहाँ पर जो LC 258 है गेट है उसको पहले था कि इसको बनाया जाएगा, परंतु ROB बनने के कारण ये अब यहाँ पर नहीं बनेगा ये गेट परमानेंट अब हट जाएगा। तो दोस्तों रेलवे ने वैसा खराब किया है ये बनाकर यहाँ पर कि पहले की प्लानिंग थी गेट बनेगा, परंतु बाद की प्लानिंग में गेट हट चुका है। दोस्तों अभी अपन आ चुके हैं किशनगंज के ब्रिज पर और आप देख सकते हैं कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। आज अपडेट है दोस्तों, पहले बहुत समय पहले आया था मैं, जब तक कि यहाँ पर ये सिर्फ बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा था, दीवारें उठ रही थी, परंतु अब आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर जो अर्थवर्क के काम है वो लगभग हो चुके हैं। अब इन पे ब्लैंकेटिंग करी जाएगी, यहाँ पर ब्लैंकेटिंग हो चुकी है दोस्तों और साथ ही OHE के पोल भी गड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों आगे रेल भी डलना चालू हो चुकी है। बिल्कुल दोस्तों ये देखिए आप, ये रेल डलना चालू हो चुकी है। वो जो पैनल यहाँ पर लंबे आए थे उन्हीं पैनलों को डायरेक्ट रखा जा रहा है दोस्तों, ये अच्छी बात है। नहीं तो पहले छोटे छोटे 13-13 मीटर के रेल के टुकड़े रखते थे, उसके बाद में फिर पैनल बिछाते थे, परंतु यहाँ पर डायरेक्ट ही पैनल बिछा दिए गए।
तो दोस्तों अब अपन आ चुके हैं हरनेगेड़ी स्टेशन पर। तो प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जो पहले का था, इसे अब मैं देख रहा हूँ तो पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वहाँ पर अब रेल बिछ गई है दोस्तों। तो नया प्लेटफॉर्म नंबर एक बनकर रेडी है दोस्तों। अब मैं काफ़ी समय बाद में आ रहा हूँ, मुझे बहुत चेंजेस दिख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये चढ़ाव भी बना दिया गया है, परंतु बीच का जो स्लेब है वो नहीं रखा गया है अभी। और ये नई स्टेशन बिल्डिंग है इसकी, जहाँ पर एसएनटी के रूम है, रिले रूम और भी बहुत सारी चीज़ें, आईपीएस रूम। उसके अलावा पैसेंजर्स के लिए टिकट काउंटर वहीं पर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर। अब ये पुराना वाला, ये पुराना वाला कुछ दिन में टूट जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर दो, जहाँ पर रेलिंग वगैरह लग चुकी है पूरी, अब ये बहुत शानदार दिख रहा है। तो दोस्तों अपन प्रस्थान करते हैं राउंड की ओर हरनेगेड़ी से। इधर के काम देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि या हो सकता है कि मैं बहुत समय के बाद में आ रहा हूँ, इस वजह से मुझे दिख रहा नज़र नहीं आ रहा है काम, मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये दोस्तों ये जो एफओबी है उसकी जो गर्डर है ये वो है, कुछ ही समय में यहाँ से ब्लॉक लेकर के इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म के काम चल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ओएची के पोल भी पूरे गाड़ दिए गए हैं, साथ ही साथ ट्रैक भी पूरा बिछा दिया गया है। मैं पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तब यहाँ पर कहीं कहीं पर ब्रिज बन रहे थे, कहीं पर कुछ काम चल रहे थे, कहीं पर कुछ काम चल रहे थे, परंतु अभी मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं। तो ये पंद्रह मार्च तक के इसे कम्प्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। दोस्तों ये पुलिया अभी ये भी बन रही है यहाँ पर, ये भी काफ़ी समय से बन रही है। और इधर अभी स्लीपर छोटे से हिस्से में नहीं रखा गया, बाकी तो पूरे में रखे हुए। ट्रैक भी डाल दिया गया है, देख सकते हैं आप, ये जो छोटी छोटी 15 मीटर की रेलें थी उन्हें हटा दिया गया है। और ये जो लंबे लंबे जो पैनल आए थे उसे बिछाने का काम चल रहा है दोस्तों।
दोस्तों राव में भी बहुत से काम होने हैं, जिनमें से एक काम यह है कि यहाँ पर भी 3 पॉइंट और डलेंगे जिससे कि मेन लाइन को क्रॉसओवर मिल सके, दूसरी लाइनों से कनेक्ट हो सके। और भी यहाँ पर दूसरे दूसरे ढेर काम होना है, मैं आपको दूसरी ओर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ की यार्ड में भी अल्ट्रेशन होगा दोस्तों, तो ये काम पूरा उसी का चल रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये केबल वगैरह पूरी उसी की भी पड़ी हुई है, अभी बिछाने का काम चल रहा है। तो दोस्तों ये थी महू से लेकर के राऊ तक की कुछ अपडेट्स, आई होप तुम्हें सब ये पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।